आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम समझते हैं मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है। मोशन इन वन डायमेंशन, बेटा मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स सच दैट ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड to express its motion. अगर किसी के motion को express करने के लिए केवल एक ही coordinate require होता है तो उसे हम कहते हैं motion one dimension. It is also called motion straight line. अगर एक ही coordinate change हो रहा होगा तो body definitely straight line में ही move कर रही होगी। जैसे for example वो body कोई सीधे चले जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल बॉल थ्रोन अपवर्ड, किसी बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे सीधा बिल्कुल तो वो सीधी जाएगी और सीधी आएगी। तो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वो कोऑर्डिनेट आप कुछ भी मान सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो अगर किसी बॉडी के मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है तो हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स such that two coordinates are required, two coordinates are required to express its motion. example हो गया projectile motion, सर्कुलर मोशन, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। जैसे किसी बॉडी को ऐसे फेंक देते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन थ्री डायमेंशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स सच दैट थ्री कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड, थ्री कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड to express its motion. example हो गया motion of fly, कोई मक्खी घूम रही है ऐसे तो हम देख रहे हैं x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, ऊपर भी जा रही है, z भी चेंज हो रहा है, तो तीन coordinate चेंज हो रहे हैं। motion of kite, तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए तो इसको हम थ्री डायमेंशन मोशन कहते हैं। अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे आगे काम आएगी। रेस्ट, रेस्ट क्या होता है?
बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर आप बॉडी पोजिशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। नो बॉडी इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, नो बॉडी इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे सपोज मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, तो मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे मून से देख रहा होगा तो मैं मूव कर रहा हूँ, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, तो कोई बॉडी रेस्ट पे है ही नहीं। रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है, मतलब हमें किसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ता है कि रेस्ट है या मोशन है। मोशन व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो वो मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। मतलब किसी के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है हमें कि बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में है, इसलिए हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टर्म। अब देखते हैं बेटा डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस बड़ी सिंपल भाषा में लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बॉडी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे गई है, तो ये पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। यूनिट ऐसा ही यूनिट जो होती है उसकी मीटर होती है, मीटर में मेजर कराया जाता है। डिस्प्लेसमेंट shortest distance, shortest distance between initial and final position is called magnitude of displacement. तो आपने छोटी क्लासों में निकाला होगा कि दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकलता है, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही है। जैसे इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 हैं, और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 हैं, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शायद याद हो आपको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का रूट, इसे हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसको बताने के लिए तो वेक्टर की आवश्यकता होगी, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो अभी डिस्प्लेसमेंट ये होगा, और अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो अभी डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ए बी डायरेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है,
लेकिन जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करता है। मैं और डिफरेंस बताता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, और डिफरेंस बताता हूँ, एग्जांपल कराऊंगा, उससे सब समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल बेसिक वीडियो है ये, आपके बेस को क्लियर करती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होंगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमें डायरेक्शन बताना पड़ता। दूसरा डिस्टेंस मैं बता चुका हूँ, दूसरा पॉइंट डिपेंड अपॉन पाथ, अलग अलग पाथ के लिए डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम होगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तीसरा कैन नॉट बी ज़ीरो, कैन नॉट बी ज़ीरो इफ बॉडी हैज़ मूव्ड, अगर बॉडी चली है तो कैन नॉट बी ज़ीरो, कैन बी ज़ीरो इफ बॉडी हैज़ मूव, बॉडी चली है उसके बावजूद भी इसकी वैल्यू ज़ीरो आ सकती है। जैसे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, लौट फिर के वहीं आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। कैन बी ज़ीरो एंड पॉजिटिव, इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। कैन बी ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। अब नेगेटिव कैसे हो सकती है इसको समझते हैं। जैसे कोई बॉडी 3 मीटर इधर गई ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को 3i लिखूंगा। आई मैंने चुना है वेक्टर, मतलब एक्स डायरेक्शन के वेक्टर को हम आई कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 3 है एक्स डायरेक्शन में तो उसे 3i। सपोज कोई बॉडी अगर इधर चलती तो मुझे डिस्प्लेसमेंट में बताना पड़ेगा, तो एस इज इक्वल टू -3i, मतलब वेस्ट गई है ये। तो अगर मैं ईस्ट को पॉजिटिव मानता हूँ, वेस्ट को नेगेटिव मानता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट को मेरे को वेक्टर में दिखाना पड़ेगा। अच्छा, डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो? यस, जैसे कोई बॉडी ए से बी गई, जब बॉडी ए से बी जाएगी तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, लेकिन कोई बॉडी अगर कर्व जाएगी, कर्व पाथ पे जाएगी, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। तो बराबर केवल एक ही कंडीशन में होता है, जब वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बेटा वैसे तो बड़ा ही होता है, लेकिन एक कंडीशन में बराबर भी हो सकता है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो या स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। तो इसीलिए ग्रेटर देन तो आ ही आया है, इक्वल टू भी आ गया है।